आगरा में थाना ताजगंज शमशाबाद रोड स्थित जीआर हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद गुस्से में आए परिजनों ने तोड़फोड़ कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक थाना ताजगंज बहटा के रहने वाले 50 वर्षीय नर्सिंग को SN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां हालत में सुधार न होने के चलते जीआर हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। नर्सिंग की मौत के बाद गुस्से में आए परिजन हंगामे पर उतारू हो गए। देखते ही देखते हंगामा तोड़फोड़ में बदल गया। हॉस्पिटल के शीशे को भी तोड़ दिया गया। मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया गया। मौके पर थाना ताजगंज की एकता पुलिस चौकी से फोर्स भी पहुंच गया। पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में ले लिया। डॉक्टर पंकज कुमार राजौरिया, क्या हॉस्पिटल के अंदर तोड़फोड़ हुई है, मारपीट हुई है, क्या है मामला? तोड़फोड़ हुई है, हमारे यहाँ पे 25 दिन से मरीज एडमिट था, नर्सिंग। हालत उनकी काफ़ी गंभीर थी, वेंटिलेटर पे मरीज था। उनके तीमारदारों को डॉक्टर साहब ने कई दिन कहा है कि आप इन्हें दूसरी जगह दिखा लीजिए, दिल्ली दिखा लो या कहीं भी किसी हायर सेंटर में दिखा लीजिए। लेकिन मरीज के तीमारदारों ने बोला कि हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है, हम ले जाने की स्थिति में नहीं है, जो भी होगा हम यहीं से ले जाएंगे, चाहे मरीज हमारा एक्सपायर हो जाए या ठीक होके जाए। आज सुबह करीब 8:30 बजे मरीज की दिल की धड़कन कम हुई तो हम लोगों ने CPR करना शुरू कर दिया, कोशिश की मरीज को बचाने की, लेकिन मरीज नहीं बच पाया, वो एक्सपायर हो गया। एक्सपायर होने के बाद इसके तीमारदारों को बताया, डॉक्टर साहब के द्वारा बात भी कराई मैंने फ़ोन से, सारी चीज़ें समझाई। हमारे डॉक्टर साहब थे डॉक्टर सुरेश चावड़ा जी, वो भी मौजूद थे वहाँ, लेकिन वो चले गए थे इन्हें डिक्लेयर करने के बाद, हमारे सीनियर डॉक्टर। इसके बाद इनके 2-3 तीमारदार आए जो कि मिलिट्री में इनके बेटे हैं, उन्हें आके सीधी मारपीट करना शुरू कर दी। वो फायरिंग हुई है कुछ मेरे ऊपर, उन्हें मारपीट की, मारपीट करने के बाद में स्टाफ के साथ मारपीट की, गाली गलौज की, सामान भी तोड़ा, उनने ये ICU का शीशा भी तोड़ दिया, यहाँ हमारा एक वीवॉक्स लगा हुआ है ये भी तोड़ दिया था इनने। उसके बाद डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब से बदतमीजी करना शुरू कर दी इनने, गाली गलौज। फिर उसके बाद इनने बाहर का एक शीशा लगा हुआ है बड़ा वाला, वो तोड़ दिया, एक मेन गेट का एंट्रेंस शीशा था वो तोड़ दिया। उनने एक गैर लाइसेंसी हथियार निकाल के फायरिंग भी की। पुलिस को सूचना दिया आपने इस मामले? पुलिस को मैंने 3 बार फ़ोन लगाया था, लेकिन व्यस्त जाने की वजह से वहाँ कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया, तो हमने यहाँ से तुरंत एक अपना कर्मचारी भेजा सोनू गोस्वामी, उसने जाके पुलिस को सूचना दी, तब पुलिस वाले आए थे। 100 नंबर पर हम लोगों का कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया था। आगरा से KKD न्यूज़ संवाददाता राजा गुप्ता की रिपोर्ट।